इतिहास की इस रोचक दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। हम गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और आज हमारे सामने है गांधी जी की लिखी हुई किताब हिंद स्वराज्य। हिंद स्वराज्य को हिंद स्वराज भी कह देते हैं। गांधी जी की लिखी हुई किताब, जब मैं यह कहता हूं तो इसका मतलब यह होता है कि गांधी जी एक लेखक भी थे। हां मित्रों, गांधी जी एक विचारक, एक चिंतक, एक प्रयोग धर्मी व्यक्तित्व के मालिक, एक राजनेता, एक पत्रकार और एक लेखक भी थे। उन्होंने बहुत लिखा, अखबारों में लिखा और कुछ किताबें भी लिखी। दो किताबें उनकी अक्सर चर्चा में रहती हैं। एक तो यह किताब जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, हिंद स्वराज, और दूसरी उनकी किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, वह उनकी आत्मकथा है। मित्रों, गांधी जी की इस किताब ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। अंग्रेजों का जमाना था और मुंबई की सरकार ने तो इस किताब पर रोक ही लगा दी थी। तो ऐसा क्या था उस किताब में? ये जो किताब है हिंद स्वराज्य, यह किताब 1909 में प्रकाशित हुई थी। आप यह ध्यान कीजिए कि 1909 में गांधी जी भारत के राष्ट्रीय परिदृश्य में नहीं है। वह समय उनका दक्षिण अफ्रीका में काम करने का समय था। दूसरी बात यह कि इस किताब ने इतनी धूम मचाई, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस किताब में उन्होंने वर्तमान सभ्यता को खारिज करते हुए और एक वैकल्पिक सभ्यता का मॉडल सामने रखा था दुनिया के। उन्होंने इतनी बेबाकी से, इतनी स्पष्टता से कहा कि गांधी जी कहते हैं कि यदि मेरी यह किताब किसी बच्चे के हाथ में दे दी जाए तो भी वह समझ लेगा। तो वर्तमान व्यवस्था के विरोध में एक नई व्यवस्था की संकल्पना, और वह भी यह कहते हुए कि मैं कोई नया सिद्धांत नहीं दे रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो भारतीय दर्शन में है और उसके बाद मैंने दुनिया के विभिन्न लेखकों को पढ़ने के बाद समझा है। तो गांधी जी अपनी इस छोटी सी किताब की भूमिका में लिखते हैं कि ये जो किताब है, इसमें जो विचार रखे गए हैं, ये विचार मेरे हैं भी और मेरे नहीं भी हैं। मेरे इसलिए हैं कि जो विचार मैंने व्यक्त किए हैं, इनको मैं मेरे हिसाब से अपने जीवन में लागू कर सकता हूं, और ये मेरी आत्मा में रचे बसे हैं। और ये मेरे इसलिए नहीं है
कि ये विचार मेरे ही मन में आए हों, ऐसा नहीं है। ये विचार पहले से दुनिया के सामने हैं। तो इस तरह से गांधी जी कोई दावा नहीं करते हैं कि मैंने कुछ मौलिक लिखा है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि मेरी ये जो किताब है, इस किताब को देखकर, इस किताब को पढ़कर और निश्चित रूप से वे लोग और भारत के वे लोग जिन पर पश्चिमी सभ्यता की धुन सवार नहीं हुई है, मेरी बात आसानी से समझेंगे और इसे आगे लेकर जाएंगे। और पश्चिम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पश्चिम की सभ्यता से प्रभावित नहीं है, ऐसे लोग भी मेरी किताब को समझेंगे, जल्दी समझेंगे। और जिन लोगों के मन में संशय है कि मैंने यह क्या लिख दिया, तो अपने संशय को दूर करने के लिए वे उन किताबों को देख सकते हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। उनसे पूछा गया कि फिर आपने यह किताब क्यों लिखी, आपका मकसद क्या है हिंद स्वराज लिखने का। तो उन्होंने कहा कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, इसलिए मैंने यह किताब लिखी। और मैं सत्य का शोधक हूं, सत्य के प्रयोग करता रहता हूं, तो यह भी मेरा एक प्रयोग ही है। तो गांधी जी से पूछा गया कि आपकी ये जो किताब है, मेरे पास है ये किताब, आप भी, आपके पास भी ये होनी चाहिए, अच्छी किताब है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज। तो उनसे पूछा गया कि भाई ये जो किताब है, ये आपने बोलचाल की शैली में क्यों लिखी है, एक तो इसमें पाठक होता है और एक संपादक होता है, इन दोनों की बातचीत के हिसाब से पूरी किताब लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, यह मैंने सुविधा के लिए किया है। और वैसे यदि आप देखें तो भारत में ये जो शैली है ये कोई नई नहीं है, इसके पहले भी इस तरह से कहा जा चुका है इस शैली में। जब प्रसंग आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा पीछे जाके सोचेंगे और ज्यादा ही पीछे जाके सोचेंगे, देखेंगे तो आप पाएंगे कि महाभारत में जो गीता का दर्शन है वह भी प्रश्नोत्तर शैली में ही है। अर्जुन पूछता है और कृष्ण उत्तर देते हैं, इसलिए यह कोई नई शैली नहीं है। यह शैली लोगों को रुचती है, लोग इसे जल्दी से समझ जाते हैं, इसलिए गांधी जी ने यह लिखा। फिर यह किताब उन्होंने कब लिखी, यह किताब उन्होंने लिखी कि ये आ रहे थे गांधी जी लंदन से दक्षिण अफ्रीका, एक जहाज में थे और उस जहाज में उनको यह विचार आया कि ये जो दुनिया है ये किस तरफ जा रही है। वे लिखते हैं अपनी किताब में कि मुझे लंदन में कुछ लोग मिले
जिनकी वीरता से तो मैं प्रभावित हूं, लेकिन वे जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं, हिंसा के रास्ते पर चलना चाहते हैं और देश को आजाद कराना चाहते हैं, उसे वो रास्ता उनका पसंद नहीं है। वे लिखते हैं कि मुझे लगता है कि उनके जोश ने उल्टी दिशा पकड़ ली है और दुनिया को यह बताना जरूरी है कि जोश की उल्टी दिशा आपको कभी भी सही रास्ते पर लेकर नहीं जा सकती। तो उन्होंने साफ लिख दिया अपने किताब कि भाई इस तरह से मुझे कुछ लोग मिले थे और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के दुखों का इलाज हिंसा नहीं है। तो किताब लिखना कोई आसान काम नहीं है। अपनी भूमिका में लिख रहे हैं वे कि मुझे ऐसे लोग मिले। अब ऐसे लोगों की परवाह करते हुए, उनका जिक्र न करते हुए किताब लिखते गांधी जी, तो फिर लोगों को पता कैसे चलता कि यह किताब उन्होंने लिखी क्यों? एक कारण यह भी तो है लिखने का कि उनको लगा कि लोग सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। चाहे कोई कविता लिखता हो, चाहे कोई कहानी लिखता हो, उपन्यास लिखता हो, चाहे कोई दर्शन लिखता हो, चाहे कोई विज्ञान लिखता हो, लिखना आसान नहीं है। लिखना एक तरह से अपनी बेचैनी को बढ़ाना भी है और बेचैनी को कम करना भी है, शांत करना भी है। मैंने लिखा था एक बार अपनी किताब में, मेरी कविता की किताब में एक छोटी सी कविता है, लिखना क्यों। तो मैंने लिखा कि हां लिखता हूं इस दिल की बेचैनी को, हां लिखता हूं इस दिल की बेचैनी को, कभी बुझाने के लिए, कभी भड़काने के लिए। लिखना आसान नहीं है। गांधी जी के लिए भी लिखना आसान नहीं था, वीर सावरकर के लिए भी लिखना आसान नहीं था। जवाहरलाल जी नेहरू के लिए भी लिखना आसान नहीं था, जयप्रकाश नारायण के लिए भी लिखना आसान नहीं था, कौटिल्य के लिए भी लिखना आसान नहीं था, वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसी, कबीर, प्लेटो, मार्क्स, इन सभी के लिए लिखना आसान नहीं रहा है। सहमति असहमति आपका निजी विषय है, आप किसी से भी असहमत हो सकते हैं। एक मीर का एक शेर याद आ रहा है, उसके बाद आगे की बात करूंगा मैं। मुझे ये बताना जरूरी है पहले कि किसी की लिखी हुई किताब को हम हल्के रूप में नहीं ले सकते, उसे सामान्य अर्थों में भी नहीं लेना चाहिए। आप ये देखिए कि लिखने वाला कौन है, आप उस व्यक्ति को देखिए, उसकी गंभीरता को देखिए। मीर लिखते हैं कि मुझको शायर ने कहो, मीर के साहब मैंने, मुझको शायर ने कहो, मीर के साहब मैंने, दर्दो गम कितने किए जमा तो दीवान किया। यानी दीवान लिखना आसान थोड़े ही था, कितने मैंने दर्द, कितने गम जमा किए तो मुझसे ये लिखा गया। तो गांधी जी ने कितना सोचा होगा, कितना चिंतन किया होगा, कितना मनन किया होगा, तब जाकर उन्होंने यह किताब लिखी है। तो असल में उन्होंने क्या किया कि वो जो जहाज था जिसमें वे
जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड से, 1908 की बात है ये। उस जहाज पर उन्होंने लगातार कुछ नोट्स लिए। जहाज का नाम था एसएस किल्डोनन, ध्यान होना चाहिए, पानी का जहाज। तो 100 पेज की उनकी यह किताब वहां लिखी गई पानी के बीच, 20 इसके अध्याय हैं। और इनसे पहले ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नाम से किताब लिखती थी संवाद शैली में, और फिर गीता की बात तो मैं कर ही चुका हूं, और गांधी जी गीता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, वे गीता को माता कहते थे, गीता माता नाम से उनकी गीता पर कही हुई बातें संकलित भी हैं ये किताब में। तो जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब भी धर्म संकट में आता है तब तब कोई न कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो चुनौती लेता है, वह पुनः धर्म की स्थापना करने की बात करता है। जैसा कि कृष्ण ने कहा, यहां धर्म का मतलब कोई पूजा पाठ या कोई इबादत का ढंग नहीं है, यहां धर्म सर्वोच्च नैतिकता है। तो गांधी जी ने भी एक तरह से, आप ये समझ लीजिए कि नैतिक नियमों की पुनर्स्थापना के लिए, इस समाज को एक दिशा देने के लिए यह किताब लिखी। और इस किताब को सम्मान भी मिला, और वे कहते हैं खुद कि मुझे धर्म बहुत प्यारा है, लेकिन वे कौन सा धर्म, वह धर्म तो लड़ना नहीं सिखाता। ठीक है, लिखते हुए कि मुझे धर्म बहुत प्यारा है और मेरा पहला दुख ही यही है कि हिंदुस्तान धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ यहां लोग हिंदू मुस्लिम या जरथोस्ती धर्म से लेते हैं, लेकिन मैं तो जो धर्म के भीतर धर्म है उस धर्म की बात कर रहा हूं। हिंद स्वराज में लिखा उन्होंने 8वें अध्याय में कि धर्म के भीतर एक धर्म होता है, और वह सभी धर्मों का एक जैसा होता है। तो मैं तो उस धर्म तक पहुंचना चाहता हूं, धर्म के उस मर्म तक जाना चाहता हूं जो धर्म के भीतर धर्म के रूप में समाहित है, वहां तक जाना चाहता हूं। लेकिन लोग धर्म का बाहरी स्वरूप देखते हैं और इसी आधार पर अपने निर्णय लेते हैं। तो गांधी जी ने ये जो किताब लिखी, इस किताब में उन्होंने एक तो जो वर्तमान व्यवस्था है, इस वर्तमान व्यवस्था को, जैसा मैंने पहले कहा था, कि एकदम खारिज कर दिया। आप ये देखिए कि जो व्यक्ति ये कहता है कि रेलों की जरूरत नहीं है, अस्पतालों की जरूरत नहीं है, फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं है, जेलों की जरूरत नहीं है, अदालतों की जरूरत नहीं है, जमींदारों की जरूरत नहीं है, किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है,
तो फिर किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं आप? यह प्रश्न पूछा लोगों ने गांधी जी से। गांधी जी की आलोचना भी बहुत हुई कि ये क्या सिखा रहे हैं लोग, लेकिन उनकी अपनी व्याख्या है, उनका अपना चिंतन है, उनकी अपनी दृष्टि है, और उन्होंने बताया है कि यदि आप सत्य की खोज के लिए निकल जाएंगे तो आप धीरे धीरे हिंसा से दूर होते चले जाएंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप हिंसा को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हिंसा कैसे कैसे हो सकती है? जिसके पास धन होगा, जिसके पास बल होगा, वह निश्चित रूप से दूसरों पर शासन करेगा। इसलिए धन और बल किसी के पास ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने ये कहा कि उत्पादन यहां होता है, बिकता कहीं और जाके है। कच्चा माल यहां से जाता है, पक्का माल कहीं और बनता है, और बाजार किसी तीसरी जगह होता है। इस तरह की व्यवस्था को गांधी जी पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, सत्य की खोज करना चाहता हूं और उसके अनुसार चलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के क्या दोष हैं और स्वराज का अर्थ क्या है। उन्होंने कहा कि मैं जो भी कह रहा हूं वह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल एक व्यावहारिक दर्शन प्रस्तुत करके कह रहा हूं। आप यह न मानिए कि जो मैं कह रहा हूं वह कोई सपनों की बातें होंगी। हम कभी सही रास्ते पर चले ही नहीं हजारों सालों से। सही रास्ते पर जब चलेंगे तो हम वापस वही गौरव हासिल कर लेंगे जो कभी हमारा था। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, लेकिन यह बात उन्होंने बाद में कही। लोगों ने पूछा गांधी जी से कि गांधी जी आपने तो जो किताब लिखी थी उसे बहुत समय हो गया लिखे हुए, बाद में आपने जो बातें कही हैं वे बातें आपकी हिंद स्वराज में कही हुई बातों से कहीं कहीं मेल नहीं खाती हैं। तो गांधी जी ने कहा कि भाई जो मैं बाद में कहूं उसे ठीक समझो और पहले वाली बातों पर चिंतन करते रहो। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, आपको यदि मेरी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरा जीवन देखिए। देखिए इस दुनिया में ऐसे बहुत कम विचारक हुए हैं जिनके सिद्धांत और जिनके व्यवहार में अंतर कम दिखाई देता हो। मैं यह नहीं कह रहा कि अंतर होता ही। गांधी जी के बहुत से निर्णय ऐसे आए थे जो उनके दर्शन के विपरीत लगते हैं, लेकिन गांधी जी यह भी कहते हैं कि भूलें मुझसे हो सकती हैं, मैं भी एक इंसान हूं। तो अब ये जो किताब है हिंद स्वराज, इसको हम ग्रहण किस रूप में करें यह बहुत जरूरी है। यानी करीब 100 साल से ज्यादा हो गए इस किताब को आए हुए। आज हिंदुस्तान पूरा बदल गया है। पश्चिमी सभ्यता में भी बहुत परिवर्तन आए हैं। तो इस बदली हुई दुनिया में 100 साल पहले लिखी गई किसी किताब का महत्व कितना है यह जानना बहुत जरूरी है। महत्व कम नहीं हो जाता है 100 साल पुरानी होने से,
गीता कितनी पुरानी है, लेकिन कभी पुरानी होती है क्या? तो हिंद स्वराज कभी पुराना नहीं होगा। आपके जो समझने के संदर्भ हैं वे जरूर बदल गए हैं, लेकिन बदले हुए संदर्भों में यदि आप हिंद स्वराज को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि गांधी जी ने 1909 में जो भविष्यवाणी की थी, गांधी जी की ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स इंडियन ओपिनियन अखबार में छपे थे, उसके बाद में ये पुस्तक रूप में सामने आए। तो गांधी जी ने उस समय जो आशंका प्रकट की थी कि ये जो मशीनों की दुनिया आप खड़ी कर रहे हो, ये दुनिया एक दिन आपको ले बैठेगी और इससे कोई रोजगार नहीं बनेगा। और आप आज देख लीजिए, आज की तारीख में देख लीजिए, कितने उद्योग हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान उद्योगों से भरा पड़ा है, और यदि ये COVID-19 नहीं होता तो हम बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था होते आज। लेकिन इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी चीन की अर्थव्यवस्था हमसे बहुत अच्छी है, यूरोप के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था हमसे बहुत अच्छी है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था हमसे बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था आई है, इस अर्थव्यवस्था ने इस दुनिया के सामने जो रूप दिखाया है पूंजीवाद का, औद्योगिकरण का, बाजारवाद का, यह रूप हमें बड़ा समृद्ध दिखाई देता है। देखो, ये हो गया, वह हो गया, वह हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, पता नहीं हमने कितनी उपलब्धियां हासिल कर ली। आज हमारे पास सब कुछ है, आज हम अंतरिक्ष में यान भेज देते हैं। लेकिन मित्रों, इस नई व्यवस्था ने, इस अर्थव्यवस्था ने, इस तकनीकी अर्थव्यवस्था ने, इस क्रूर अर्थव्यवस्था ने जो वृद्धि की है, जो ग्रोथ की है, उस ग्रोथ में रोजगार ज्यादा नहीं है। ये जो ग्रोथ है, ये जॉबलेस ग्रोथ है। और गांधी जी इसकी आशंका 1909 में प्रकट करते हैं, तो फिर यह पुस्तक अप्रासंगिक नहीं हो सकती। इस पुस्तक की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। हां, हमें हिंद स्वराज को आधुनिक संदर्भों से जोड़कर पढ़ना चाहिए। अब यदि आपके समझ में पूंजीवाद आया हुआ नहीं है, आपके समझ में मार्क्सवाद आया हुआ नहीं है, आपके समझ में भारतीय संस्कार आया हुआ नहीं है, तो किताब समझ में कैसे आएगी? फिर जिस समय यह किताब लिखी गई, उस समय दुनिया की राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, यह भी हमें देखना पड़ेगा, और उसके बाद आज कैसी है यह भी देखना पड़ेगा, फिर तुलना करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो गांधी जी का जो हिंद स्वराज है, यह हमारे बहुत काम का है। यदि काम का नहीं होता तो दुनिया इसे कभी की अलमारियों में बंद कर देती, लेकिन हर 2-4-5 साल बाद में ऐसा माहौल बनता है कि लोग पुस्तकालयों से निकलवा निकलवा कर, खरीद खरीद कर हिंद स्वराज पढ़ते हैं। तो कुछ बातें हैं हिंद स्वराज के बारे में, जिनका जिक्र मैं अगली बार करूंगा, क्योंकि ये जो किताब है,
इस किताब को हम इस रूप में देखेंगे कि क्या यह वर्तमान में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान का कोई मार्ग सुझाती है क्या। तो हम हिंद स्वराज को लेकर जब तक दोबारा मिलें तब तक आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।